नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाजरीन, सीनियर साफी मुबशर लुकमान ये जाती इमरान खान का मुखालफ है और इमरान खान पर हमेशा ये तनकीदी करता है और उसको टारगेट का निशाना बनाए रखता है, लेकिन आज मंसूर अली के प्रोग्राम में इसने इमरान खान के मुतल्लिक बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। एक दफ़ा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मुबशर लुकमान साहब से ये पूछना चाहूँगा, ये इमरान खान साहब के हवाले से उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो गई और अब जो है वो एक बड़ी तहरीक की भी बातें हो रही हैं। मुबशर लुकमान साहब, क्या ये हकीकत है कि अब कुछ इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए जो है कोई रूम निकल रहा है और कुछ रिलैक्सेशन हो रही हैं? पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया, मैं और आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम और नाजरीन को भी। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान बेल पे तो आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं, लेकिन अभी उसमें भी चंद महीने हैं। और बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ग्रैंड अलायंस में अब जा रहे हैं फजल रहमान साहब के साथ, और ये देख लें कि फजल रहमान साहब और इमरान खान एक हो गए हैं तो वो क्या कहते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमीन खा गई पहलवा कैसे कैसे, तो अभी ये पहलवान खाए भी जाने हैं कुछ। और दूसरी तरफ ये है कि ये समझते हैं कि हुकूमत जो है ये पहले 6 महीने में बड़ी वीक विकेट पे है और जो कुछ है इन 6 महीने के अंदर हो सकता है तो ये इस 6 महीने के अंदर बड़ा जोर लगाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल कुछ और होने वाला है। या तो आप हर तरफ ही तब्दीलियां करवा दें और चेंजेस करवा दें और फिर अपना ये कर लें इस तरह से, लेकिन ये है कि आई डाउट इट वेरी मच मंसूर, आई डाउट इट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं डिच तो नहीं कर देगी? सबसे ज्यादा शक तो जारी बात है उसी तरफ जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस में रबते हैं और मिड सीनियर लेवल के रबते हैं और काफी ज्यादा वो एक दूसरे से करीब हुए हुए हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी दुश्मनी है वो पीएमएलएन से, वो तो बड़ी पुरानी है और सबको पता है उसका। और ये है कि पीटीआई का एक वोट बैंक है, सपोर्ट बैंक है, बहुत ज्यादा है, तो पीपल्स पार्टी उसको कैश भी करना चाहेगी। फौरी तौर पर यह नहीं होगा, जो भी होगा हर चीज में टाइम लगता है मंसूर, हुकूमत गिराना आसान काम नहीं होता। हुकूमत गिरते गिरते भी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, पीपल्स पार्टी अभी डिच नहीं कर सकती, वो भी टाइम लेगी, साल तो लेगी कम से कम। अच्छा, आमिर इलियास राणा साहब, आपकी क्या राय सर, ये ग्रैंड अलायंस मौलाना और इमरान खान साहब के दरमियान, या पीटीआई और जेयूएफए कह लें, इनके दरमियान क्या वाकई कोई अलायंस बन सकता है? ये तो महमूद अशकजई साहब का नाम भी आ रहा है कि जनाब उस अलायंस की सरबराही वो करेंगे। देखें, हर एक के अपने मुफादात होते हैं और सियासी जमातों में लड़ाइयाँ भी उरूज पे जाती हैं और दोस्तियाँ भी जाती हैं। तो कोई पहले सोच सकता था पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ जिसमें एक तरफ खान साहब भी खड़े हुए थे और सब कुछ चंदा बंदा भी नवाज शरीफ से, उनके वालिद से लेते रहे, फिर लड़ाइयाँ हो गई और दुश्मनी में बदल गई। फिर मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा और महमूद अचकज़ई के बारे में इमरान खान साहब ने, अब उनकी पार्टी जो है उनके दरों पे हाजिर है। ये सियासी मुबातात खेल है, किसी भी वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि सियासत में कोई भी चीज़ ये नहीं होती कि जी ये बिल्कुल लकीर खींच दी गई है, बल्कि सियासत क्या, दुनिया के हर शोबे में और पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद तमाम इदारे, आज एक दुश्मन है कल दोस्त है, कल दोनों दुश्मन आपस में दोस्त हो जाते हैं और दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी खान साहब का जैसे जिक्र हुआ, आपने पहले पूछा था कि बात हो रही थी कि जी उनकी जमानतें हैं सब कुछ, एक माहौल तो बनना है और आप कब तक किसी को पकड़ के रखेंगे, जमानतें तो होनी है, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इन केसों में जमानतों के बाद बरी होने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अभी वो चलेगा काम और अभी कोई तब्दीली ऐसी आ नहीं रही फौरी तौर पर, बल्कि जिस अदलिया को प्रेशर में ला रहे हैं वहाँ से और सख्त कड़वे फैसले पीटीआई के लिए और उनके हमनवाओं के लिए, हमनवाओं में अब आपने खुद ही समझना है, उन सब के लिए आएंगे। बहुत सारे नए जुडिशल रेफरेंस भी आ रहे हैं। और ये मैं ज़रा एक खबर, क्योंकि आप इस्लामाबाद के एक बाखबर सहाफ़ी हैं आमिर साहब, पिछले चंद दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस को
कोई एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं कि जी कोई ऐसा हुकूमत कुछ प्लान कर रही है, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए दो चीज़ें हैं, अगर एक्सटेंशन देनी है या कुछ भी करना है तो आपको दो तिहाई अक्सरियत चाहिए। सेनेट में वो करीब करीब नज़दीक है और कौमी असेंबली में उनके पास है। तो आप अगर एक्सटेंशन किसी को भी देना चाहते हैं जो आइनी इदारे में है, कानून की नहीं बात कर रहा, मतलब हमारे यहाँ फ़ौरन लोग चले जाते हैं, आर्मी चीफ़ का तो एक्ट सब ने मिल के बनाया हुआ है, तो उसकी बात नहीं हो रही, ये बात अदलिया के बारे में हो रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये लोग ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं चीज़ें, कि अभी अक्टूबर है ना, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी आपको IMF करना है, सब कुछ करना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ इस वक्त डिस्कशन में भी है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई है, नाज़रीन इलेक्शन होने के बाद एक बात का तो इन साफियों को भी पता चल गया कि लार्जर जमात जो है वो कौन सी है। आज देख लें मुबशर लुकमान ने भी तस्लीम कर लिया है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है वो PTI है, और ये भी इसने इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान को जो है वो आए रोज़ जो है उसके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। नाज़रीन जब झूठे केसेस हों तो ख़त्म तो हो ही जाते हैं, अल्लाह ताला जो है वो हमेशा हक और सच के साथ होता है, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो है वो जल्द सरखरू होगा। नाज़रीन बाकी मुबशर लुकमान ने जितनी बातें की हैं और अमर अलियास रैना ने, क्या आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।